जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल बेटा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं हम लोग जो बच्चे नीट 2024 में अपियर होंगे। पहले ही कंफ्यूजन बच्चों दूर कर दें कि जो बच्चे नीट 2023 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं है, और ये भी चेंज आया एनसीईआरटी में। तो चेंज क्या आया रिया मैम, जरा देख लीजिए, ये न्यूज है, कहां की न्यूज है बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स रिवाइज्ड एज पर न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2024 और 25 सेशन के लिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये दिया है। अच्छा, तो जैसे ही ये न्यूज आई तैसे ही आप फटाफट चले गए दुकान पे। बिल्कुल सर। और आपने तुरंत एनसीईआरटी खरीद ली। बिल्कुल सर। तो जरा हम लोग बच्चों को पहले बता दें, दिखा दें पुरानी वाली एनसीईआरटी और नई वाली एनसीईआरटी। बिल्कुल सर। बच्चों देखिए, ये दोनों नई पुरानी एनसीईआरटी है, और रिया मैम के पास नई एनसीईआरटी, दोनों नई एनसीईआरटी है, राइट। और अब जरा बता दीजिए कि पहले दोनों एनसीईआरटी मिलाकर कुल कितने पेज होते थे? सर, पहले पूरे टोटल पेजेस थे 629, अब हो गए कितने, 478। इसका मतलब रिडक्शन हुआ 151 पेज का। बिल्कुल सर। तो बहुत ज्यादा मतलब आसान होने जा रही है बायो जी। एनसीईआरटी 1 में पहले टोटल पेज कितने थे, 343 जी सर, अब कितने हो गए, 251। कितने पेज कम हो गए, 92 पेजेस कम हो गए। और एनसीईआरटी 2 में पहले टोटल थे 286, अब हो गए 227। कितने पेज कम हो गए, 59 पेजेस। कितने चैप्टर थे एनसीईआरटी 1 में पहले, सर पहले थे 22 चैप्टर्स, और अब हो गए 19 चैप्टर्स। अब छह मतलब कितने चैप्टर कम हो गए, तीन चैप्टर कम। और एनसीईआरटी 2 में कितने थे, 16 16 और कितने चैप्टर कम हो गए, 13 हो गए। तो टोटल 6 चैप्टर हट गए। बिल्कुल। और उसके बाद जो चैप्टर रिमेनिंग है उसमें भी कुछ पोर्शन हटा है। यस सर। तो रिया मैम जरा फटाफट दिखा दीजिए कि हम लोग कंटेंट दिखा दें। इंडेक्स कंटेंट हम लोगों ने डाल दिया। अच्छा, ये भी बना लिया, वेरी गुड। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर हट गया है, अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से देखें तो हमारे दो चैप्टर हट गए, ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट गया है, वेरी गुड। और बाकी भी सबसे कई सारे सब टॉपिक्स हटे हैं, तो उनके लिए डिटेल भी। हाँ, जैसे लिविंग वर्ल्ड में क्या हट गया सर, टैक्सोनॉमिकल एड्स हट गए हैं, वेरी गुड। और हमारा स्ट्रक्चरल की बात करें तो बच्चों को जो टोटल पढ़ने होते थे कितने चैप्टर एनसीईआरटी 1 में, 22, अब कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 90, ये बच्चों के सामने है। बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। अब एनसीईआरटी 2 बता दीजिए। सर, एनसीईआरटी 2 की अगर हम लोग बात कर ले तो पहले टोटल 16 थे, अब 13 चैप्टर्स हो गए, इससे भी हमारे। और यहाँ देखिए, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हटा दिया, पहला ही चैप्टर हटा दिया, वेरी गुड। उसके बाद एनवायरमेंटल इशू भी हट गया। बिल्कुल सर। और हमारा अगर हम लोग बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर देखें तो स्ट्रेटजीज वाला भी चैप्टर हट गया, जो एनहांसमेंट था फॉर फूड प्रोडक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब अब अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता, फिर बच्चों को बता दें, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो नीट 2024 बच्चों को नीट क्रैक करना और आसान हो जाएगा। बिल्कुल। आसान क्या होगा, सभी के लिए कम होगा। बिल्कुल। तो कॉमन एन इफेक्ट होगा, हो सकता है उसका फर्क मेरिट पे पड़े। डेफिनेटली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक न्यूज थी जो हमने सोचा आपसे साझा करें कि एनसीईआरटी पूरी तरह से बदल गई है, और एक ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में है, कि बच्चों पुरानी एनसीईआरटी नहीं, अब उनके सीबीएसई बोर्ड में कौन सी एनसीईआरटी आएगी, नहीं, ये न्यूज में भी कंफर्म हो गया। और अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ चेंज हुआ रिया मैम। यस सर। और ये बच्चों ये भी देखिए, हम लोग के पास केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक है, और एक बुक तो शायद बहुत ही पतली हो गई सर, ये वाली। कौन सी, ये वाली सर। हाँ, केमिस्ट्री का आपका, ये देखिए केमिस्ट्री का 11th की बहुत पतली हो गई, एस ब्लॉक हट गया इससे ना, तो बहुत सारी चीजें बच्चों हट गई। तो मेरा ये कहना है कि अब आप लोग को नई एनसीईआरटी मिलेगी और हम लोगों को भी नई एनसीईआरटी मिलेगी। बिल्कुल सर। कभी इतनी मोटी होती थी रमेश गुप्ता एमपी कौशिक, पतली हुई एनसीईआरटी, फिर पतली हुई एनसीईआरटी। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूज थी, सोचा आपसे साझा किया जाए। पूरी तरह से एनसीईआरटी का रंग रूप और चैप्टर बदल गया। बदल गया। तो आप लोग कहेंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बना के दे देंगे, लेकिन 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 इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके मत बताना सर नीट 2023 में चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये 24-25 के लिए बच्चों इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए सोचा आपसे साझा करें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट उन सारे प्यारे बच्चों के लिए जो नीट 2023 में अपियर होने जा रहे हैं। नीट 2024-25 की बात बाद में आएगी। और अब बच्चों दवा के टेस्ट दीजिए, दवा के रिविजन करिए, मिस्टेक बुक बनाइए और सेलेक्ट होइए। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद जय भारत।